नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ओला से ऑनलाइन कैब बुक कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर ओपन करेंगे। टाइप करेंगे ओला, सर्च करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, ओके करेंगे, ओपन करेंगे, कंटिन्यू विथ फ़ोन नंबर करेंगे, फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ऑटो वेरिफिकेशन होगा। अब आप देख सकते हैं आपका ओला अकाउंट बन चुका है। तो चलिए कैब बुक करना सीखते हैं। कैब बुक करने के लिए सिंपली योर करेंट लोकेशन पर इंटर करेंगे, पिकअप लोकेशन इंटर करेंगे। जैसे मुझे जाना है दानापुर टू पटना, तो हमारा पिकअप लोकेशन कहाँ होगा? दानापुर। यहाँ इंटर करेंगे दानापुर। आप देख सकते हैं बहुत सारा दानापुर शो कर रहा है। आपके एरिया का जो भी दानापुर उसको सिलेक्ट कर लेंगे, कन्फर्म कर देंगे। अब यहाँ डिस्टिनेशन सर्च करेंगे, जहाँ जाना है। जैसे जाना है हमको पटना, पटना जंक्शन। अब आप देख सकते हैं कैब का लिस्ट आ चुका है। आपको अगर कार से जाना है तो कार से भी जा सकते हैं, बाइक से जाना है तो बाइक से जा सकते हैं, ऑटो से जाना है तो ऑटो से जा सकते हैं, ई रिक्शा से जाना है तो ई रिक्शा से जा सकते हैं। यहाँ पे उसका प्राइस दिया हुआ है। तो चलिए मिनी बुक कर लेते हैं, बुक मिनी करते हैं, प्रोसीड करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा कैब बुक हो चुका है। यहाँ पे कैब नंबर दिया गया है, कैब का नाम दिया गया है, कैब ड्राइवर का नाम दिया गया है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। आप कॉन्टैक्ट पर क्लिक करके उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो कर दो लाइक शेयर, और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए घंटी का बटन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।